हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्य नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 9th का पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीति ही इस पाठ का नाम है। तो इसका पहला श्लोक है हमारे पास, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। निनादय का अर्थ होता है बजाओ, नवीनामय नवीनामय नवीन वाणी को सरस्वती देवी को कह रहे हैं। वाणी यहाँ पे सरस्वती देवी जी को कहा गया है कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, कि हे सरस्वती देवी आप नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम, जिसमें ललित सुंदर नीतियों से लीन ऐसा मधुर गीत का गायन करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, जिसमें मधुर सुंदर मंजरी, मंजरी का अर्थ होता है जो आम के वृक्षों पर बौर आया होता है उसको मंजरी कहते हैं। पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसरसाला, बसंत ऋतु में जो सुंदर रस से युक्त सरसक होता है, रस से युक्त रसाला, रसाला का अर्थ है आम के जो वृक्ष हैं वो रस से युक्त होते हैं बसंत ऋतु में, और जिनमें क्या होता है मधुर मंजरी, जिनके ऊपर बड़ी सुंदर आम के मंजरी, आम के जो पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ होती हैं भूतमाला, पीले रंग की जो पंक्तियाँ होती हैं वह बड़ी सुंदर लगती हैं। कलापह ललित कोकली नाम काकली नाम, और कलापह समूह कोकिला नाम, ललित कोकिला नाम सुंदर जो कोयले हैं उनका जो समूह है, काकली नाम उनके समूह की जो काकली है, कोयलों की जो कूक है उसको भी देख कर आप नई वीणा को बजाओ। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, नई वीणा को आप सरस्वती देवी बजाओ, ऐसा इसमें कवि कह रहा है। आपने यदि इसका अन्वय और इसकी हिंदी लिखनी है, सरलार्थ लिखना है, तो आपको किसी भी हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं है। आपने पाठ के पीछे जाना है, यहाँ पे अन्वय और हिंदी भावार्थ दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे ये अन्वय है, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीति मृदु गाय, तो यहाँ से आपने अन्वय लिखना है ये, और इसका अर्थ है हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। आगे है इसका अन्वय, इह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसह रसाला लसंती ललित का कोकिला काकली नाम कलापह बिलसंती अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, की नई वीणा को बजाओ। अय वाणी सरस्वती, यहाँ पे इसका अर्थ दिया गया है, इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। मनोहर काकली, काकली का अर्थ होता है कोयल की जो आवाज़ होती है, मनोहर काकली बोली कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, ऐसा कहा गया है। दूसरा है, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, मंद मंदम होता है धीरे धीरे बहती है, सनीरे सनीर का अर्थ होता है जल, स जल से जो पूर्ण है, समीरे हवा, कलिंदात्मजाया कलिंदात्मजाया का अर्थ है यमुना, यमुना नदी के सवानिर तीरे वेंत की लता से युक्त तट पर, तीरे का अर्थ है तट पर, नताम झुकी हुई पंक्ति मालोक्य, पंक्ति को आलोक्य देखकर मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी नाम का अर्थ है कि मधुर मालती लताओं का, तो इसका भी आगे यहाँ पे है, निनादे नवीनामयी नवीनामय वाणी वीणाम, इसका यहाँ पे ये पहली लाइन है सबके अंत में, तो यहाँ भी यही कहा गया है कि हे वाणी नई वीणा को बजाओ। इसका भी आपने अन्वय और अर्थ यहाँ से लिखना है अपनी पुस्तक से, यहाँ पे दिया हुआ है ये दूसरे का अन्वय है, यहाँ पे दूसरा जो श्लोक है, कलिंदातम जाया सवानिर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती मधु माधवी नाम नताम
पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। आपको किसी भी हेल्प बुक की गाइड की आवश्यकता नहीं है, आपने यहीं से अपनी पुस्तक से लिखना है इसको। यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित, वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से आपने लिखना है। फिर हमारे पास तीसरा श्लोक है, ललित पल्लवे। ललित होता है बड़े सुंदर बड़े मनोहर। पल्लव पत्ते, पादपे, पादपे का अर्थ है वृक्ष पर। पुष्प पुंजे, पुष्पों का जो पुंज है, पुंज का अर्थ समूह, फूलों का जो समूह है। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते का अर्थ है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। मंजू कुंज कहते हैं जो सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान होते हैं। स्वनंतिन स्वनंतिन ततिम प्रेक्षया मलिना 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 मलिनाम। यहाँ पे अगर मैं इस संधि को भी छेद करूँ तो अलीनाम, अली बोलते हैं भमरों को। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम यहाँ पे कहा गया है। ऐसा क्या कहा गया है ये भी आप पहले पीछे देख लीजिए, अन्वय और अर्थ भी वहीं पे समझ लीजिए। अन्वय है तीसरे का, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे मलय मारुत तो चुंबिते स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। मलय पवन से सपृष्ट ललित पल्लवों वाले, ललित पल्लव सुंदर पल्लवों वाले, पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों के पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब है हमारे पास चौथा श्लोक, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। कि लताओं के जो सुमन बिल्कुल नितांत है, शांत बैठे हुए, शांतिशीलम चलेद उच्छलेत कांत सलिलम, और ऐसा जल जो बिल्कुल शांत मतलब कोई उसमें हलचल नहीं है, ऐसा जल है सलिलम। सलिलम का अर्थ है जल। तब आकर्ण्य आपकी वीणा को सुनकर वीणा मादीनाम नदीनाम, वह जल भी क्या है चलने उछलने लग जाए। और जो लता नाम नितांतम सुमम, जो लताओं के फूल हैं वह भी हिलने डुलने लग जाए। ऐसा कभी कह रहा है, ऐसी वीणा को बजाओ। यहाँ पे बोला गया, देखो ये चौथे का है अन्वय, ये पहले, तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांति सलिलम सलिलम उछलेत अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। तुम्हारी ओजस्विनी, क्या कहा गया, तब अदीनाम तुम्हारी ओजस्विनी वीणाम वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांतिशीलम, नितांत शांत सुमन हिल उठे नदियों का मनोहर जल। नदियों का यहाँ पे बोला गया नदी नाम कांत सलिलम, कांत करते हैं मनोहर जल, सलिलम जल उछलेत वह जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती, नवीन करते हैं नई वीणा को बजाओ। ऐसा कभी कह रहा है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे जो है तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के जो पुष्प जो सुमन बिल्कुल नितांत शांत बैठे हुए वह हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हो उछल पड़े, ऐसी वीणा को बजाओ। तो इस तरह से आप अपने इस पाठ के इन श्लोकों को करेंगे, अपनी पुस्तक पर ही पीछे इसका अन्वय भी देखेंगे, वहाँ से लिखेंगे, और इसका सरलार्थ भी, और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। शब्दार्थ भी आपकी पुस्तक पर यहाँ पे दिए गए हैं, पहले आपको शब्दार्थ याद करने हैं तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक अवश्य करें तथा अच्छी तरह से पढ़ें, समझें तथा लिखें। धन्यवाद।